नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव, आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। का दोस्त जेपी यादव आपको बता दे कि हम इस समय खड़े हैं महाराष्ट्र मुंबई मालाड वेस्ट और मालोनी का एरिया बताया जाता है, और आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अभी जो यहाँ के लोग हैं कितनी बुरी हालत में रहते हैं और ये कितना गंदा पानी है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे लोग आ रहे हैं। देखो ये साइकिल वाले भाई कैसे आ रहे हैं और कितना गंदा पानी है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और ये बारिश का पानी तो है ही, और जो कचरा है जो गंदा पानी है वो इसमें मैं भी देखिए चल रहा हूँ कि किस तरीके से, और पूरा पानी कितना गंदा पानी है और यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। और इसी लाइन से इसी जगह पे देखिए पानी का पाइप भी ज्वाइंट है और इसी के जरिए लोगों को पीने का पानी जाता है जिससे लोग पीते हैं, और पी करके क्या बीमार नहीं होंगे। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के नगर सेवक हैं या जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, ये गटर देखिए आप, गटर किस तरीके से भरा हुआ है। कोई यहाँ पे राम भरोसे हिंदू होटल जैसे कहते हैं कि लोगों को यहाँ पर सिर्फ टू सिर्फ एक बीमार रहने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ पर घर तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे घर बने हैं, ये घर कितने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ के रोड है रोड कौन बनाएगा। और यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको तकलीफ़ है कि नहीं है, कि यहाँ पर जो जैसे रहते हैं। भाई साहब आपका घर है, आपका घर है, तो आप आइए ना। क्या तकलीफ, यहाँ पे कुछ तकलीफ है आपको? कैसे जाई आई, क्या तकलीफ है? अरे पानी भरा है, कैसे आई जाई? कितना दिन से भरा हुआ है? अरे भाई हफ्ता भर हो गए ऊपर है। तो आप ये किसी को बोलते नहीं कि पानी की सफाई करो या कुछ कैसा? अरे सफाई तो करा ही चाहिए का। हाँ। सफाई कर दो, चिक्कन हो जाए सब मना आवे जाए। देखिए कितने लोग परेशान है, क्या तकलीफ है? आप भी इधर खड़े हो ना भाई। ये हम लोग को जब से बारिश है उससे पहले से हम लोग को बहुत तकलीफ है। इधर स्कूल के बच्चे आते जाते, छोटे बच्चे बीमार, पानी निकलता ही नहीं, पानी निकलता ही नहीं, यहाँ पूरा जाम है। सब आते हैं झाड़ू मारने वाले, बोलते भाई वो चैम्बर खोलने का देता नहीं, ये नहीं देता करके हम लोग को तकलीफ हो रही है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे और इधर पूरा कंटिन्यू पानी भरा हुआ रहता है। ये जो जगह है कहाँ की जगह है? ये MHB कॉलोनी है, एकता गणपति का मंडल के उधर ही है, बाजू में मालोनी गेट नंबर 8। तो आपने किसी को इतला नहीं दिया, किसी को इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है? BMC वाले को सबको अप्लाई किया है, तो सब बोले हम लोग बाय करने को आते हैं, लेकिन इधर जो भी है जिसका चैम्बर भरा है उन लोग अप्लाई करने नहीं देते, हम लोग को काम करने नहीं देते। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके चक्कर में हम लोग पीस रहे। ये तो बिल्कुल गंदा पानी है, कितना दिन से जमा रहता है ये? कंटिन्यू, ये तो जब से बारिश हो रही तब से ही है, एक भी दिन पानी इधर का कम हुआ नहीं है। ये और बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग जिम्मेदार लोग रहते हैं ना, जो कि यहाँ के नगर सेवक हैं या नेता हैं या जो कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं जिम्मेदार लोग, उनसे आपने बात नहीं किया? अभी तक हमने किसी को बोला नहीं, आप फिलहाल आपको हमने बोला है, आपके जरिए से आप आगे पहुँचाओ, फिर हमारा काम होएगा तब हम देखेंगे। जो ये BMC कॉलोनी बताया जाता है, BMC के लोगों का MHB कॉलोनी है, BMC कॉलोनी का है, लेकिन कोई ध्यान दे रहा नहीं। आप देख रहे थे कि यहाँ फिलहाल झाड़ू मारने वाला भी आता नहीं है, झाड़ू मारने वाला पीछे की गली में आता है, यहाँ सिर्फ आगे का रास्ता साफ करेगा, यहाँ का गली साफ करेगा ही नहीं। या मच्छर है, कीड़े, कुत्ते, बिल्ली है, हत्ते मुत्ते, गंदगी इतनी है तो कोई ध्यान देता ही नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा समीर शेख नाम है। देखिए ये समीर शेख जी थे और ये अपनी बात को बता रहे थे, अभी दिखाई हम देखिए किस तरीके से ये गाड़ी आ रही है, और आप देख रहे हो कि किस तरीके से। और यहाँ पे और सारे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने गंदे पानी में, ये मुंबई है, आप अगर देख रहे हो तो ये मुंबई है, मुंबई की ये हालत है। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं कि और इनको आपा ये जो पानी भरा है इससे आपको तकलीफ है? ये तो आप खुद सोच सकते हैं, बहुत ही तकलीफ है, हम लोग रह रहे इसी पानी में, हम लोग को कितनी बार निकलना पड़ता है। हमारे हम तो अभी आए, लेकिन आप तो यहाँ रोज रहते हो। हम लोग का घर है इधर ना, हम लोग कितनी बार है ना गटर वाले को BMC को फोन करते हैं, तो पहली बात तो उनका नंबर लगता नहीं है, और उन लोग यही बात करते हैं कि हमारे पास वर्कर लोग नहीं है। और इधर पूरा कंटिन्यू पानी भरा हुआ रहता है। ये जो जगह है कहाँ की जगह है? ये MHB कॉलोनी है, एकता गणपति का मंडल के उधर ही है, बाजू में मालोनी गेट नंबर 8। तो आपने किसी को इतला नहीं दिया, किसी को इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है? BMC वाले को सबको अप्लाई किया है, तो सब बोले हम लोग बाय करने को आते हैं, लेकिन इधर जो भी है जिसका चैम्बर भरा है उन लोग अप्लाई करने नहीं देते, हम लोग को काम करने नहीं देते।
तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके चक्कर में हम लोग पीस रहे। ये तो बिल्कुल गंदा पानी है, कितना दिन से जमा रहता है ये? कंटिन्यू, ये तो जब से बारिश हो तब से ही है, एक भी दिन पानी इधर का कम हुआ नहीं है। ये और बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग जिम्मेदार लोग रहते हैं ना, जो कि यहाँ के नगर सेवक हैं या नेता हैं या जो कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं जिम्मेदार लोग, उनसे आपने बात नहीं किया? अभी तक हमने किसी को बोला नहीं, आप फिलहाल आपको हमने बोला है, आपके जरिए से आप आगे पहुँचाओ, फिर हमारा काम होएगा तब हम देखेंगे। जो ये BMC कॉलोनी बताया जाता है, BMC के लोगों का MHB कॉलोनी है, BMC कॉलोनी का है, लेकिन कोई ध्यान दे रहा ही नहीं। आप देख रहे थे कि यहाँ फिलहाल झाड़ू मारने वाला भी आता नहीं है, झाड़ू मारने वाला पीछे की गली में आता है, यहाँ सिर्फ आगे का रास्ता साफ करेगा, यहाँ का गली साफ करेगा ही नहीं। यहाँ मच्छर है, कीड़े है, कुत्ते बिल्ली है, हत्ते मुत्ते, गंदगी इतनी है तो कोई ध्यान देता ही नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा समीर शेख नाम है, अब्दुल कादिर खान है, ये वार्ड 48 में हम रहते हैं, एकता मित्र सार्वजनिक उत्सव मंडल में। ठीक है, यहाँ की रोड और ये नाले इतने खराब है, यहाँ पे गणपति का फेस्टिवल होता है, 33 ईयर से गणपति का फेस्टिवल हो रहा है, मित्र मंडल दिखाओ उनका जरा, हो रहा है, पर हमने कितना ट्वीट करा है BMC को, अभी तक BMC ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे मंडल के लोगों ने ये नाले को गटर को बनाया है, कितनी परेशानी हो रही है। अभी गणपति का आगमन होगा तो कैसा लेके आएंगे इधर पे, या और कोई फेस्टिवल हम लोग बनाते तो कैसा बनाएंगे? कितने दिन से है ये? काफ़ी, हमने एक जो ट्वीट किया था 2022-24 फेब को, ये तब से वही मसला चलते आ रहा है, मतलब ये हर टाइम का मसला है, ये हर टाइम का मसला है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये मतलब कि कितना घर होंगे यहाँ पे? कम से कम इधर अपना 100-150 घर है, ये लाइन में 100-150 घर है। 150 घर में कितनी पब्लिक रहती होगी? एक घर में 5 पब्लिक भी पकड़ेंगे हम लोग, तो 500 पब्लिक पकड़ लेंगे। इतने लोग दर रोज इतनी जिल्लत और इतनी मुश्किल से रहे हो यहाँ पर, मतलब कि आप लोग और आगे भी कहीं इसकी बात रखी आपने? हमने लोगों से भी कहा कि बाहर आइए, पर लोग जो जिनको परेशानी है वो परेशानी का मतलब मसला कर यहाँ वहाँ घूम रहे। अभी और लोग निकलेंगे, हम तो लोगों को बोलते आओ हमारे साथ आओ, ठीक है, हम अपने एरिया का काम करेंगे। हमारे साथ में यहाँ एक लेडीज भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या मसला है आगे का। यहाँ आप जरा नाम बताइए ना, क्या है आपका? मेरा नाम यास्मीन हसन इमाम सैयद है, और देखो अभी बोलने से ज्यादा आप लोग खुद देख सकते हो कि क्या किस परेशानी का हम लोग फेस कर रहे हैं, और कैसे मैं खुद आया हूँ उतने गंदे पानी, कैसे हम लोग जी रहे हैं, हमारे बच्चे लोग कैसे जी रहे हैं, कितना पानी है ये। अभी सब हर जगह कंप्लेंट्स की है, बच्चे लोग ने भी काफ़ी फेसबुक पे डाला है, और मेरे ख्याल से ट्विटर पे कितना डाला है, तो बहुत हज़ारों बार डालते हैं, तो 2-4 बार साफ सफाई होती है, उसके बाद में फिर कुछ नहीं होता, जैसे कि ऐसा रहता है। रोड बनने वाला है, वो कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, और कितने बार तो उसका वो बोलते हैं ना नारियल के, कई बार फूटा है मगर रोड बनने का अभी तक ठिकाना नहीं है। ना, सही बात है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी है, मच्छरों का भी प्रॉब्लम होता है, फिर स्कूल पे जाने वाले बच्चे 2-3 स्कूल यहाँ से पढ़ती है, फोटो है स्कूल में, 3-4 स्कूल जाने वाली यहाँ से होती है, फिर बुजुर्ग लोग जाते हैं यहाँ से, कैसे कैसे जाएंगे मेरे को बताओ, कितने लोगों को कोई गिर जाता है। नहीं, ये तो हमने भी देखा, मैं खुद उस पानी से आया हूँ कि जहाँ से कितना गंदा पानी था, जब मैं नहीं चल सकता हूँ, और वो एक दिन की बात नहीं है, तो ये जो आप इतना तकलीफ सह रहे हो, इतने लोग हो, आपका प्रशासन कुछ भी नहीं सुनता? अभी बोलते तो सब जगह हम लोग सब मिलके, बच्चे लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, मगर अभी कैसा होता है, जब उनको बोलते हैं ना, जब जरूरत उनकी होती तब भी वो लोग बाहर निकलते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे कि जो यहाँ के लोग हैं, ये महाराष्ट्र मुंबई है, ये आपको जो हम दिखा रहे हैं ये कैमरे पे महाराष्ट्र मुंबई है, क्या कह सकते हो ये मुंबई है? ऐसे लोग, लोगों की आवाज़ कौन रखेगा, लोगों की बात को कौन रखेगा, निर्भय हो करके खबर को दिखाने का काम कौन करेगा? अब ये लोग खुद परेशान हैं कि कितनी इनके ऊपर मुसीबत है, बच्चे कैसे जाएंगे, मुसीबत कुछ नहीं है, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन लोग कैसे रहें, रहने की मेन प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ के लोग बता रहे थे। क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि आज ये एक दिन की तकलीफ नहीं है ये हमारे को, ये आज कम से कम 7 महीने से हम ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, इतने इसमें मॉस्किटोज हो गए जिसकी वजह से मेरे बच्चे को 2 बार मलेरिया हो गया है,
और इतनी तकलीफ है कि घर के अंदर पूरा गटर का पानी हमारा घर के अंदर आ रहा है। यहाँ से रोड पे हमने हर जगह पर एप्लीकेशन दी है, हर जगह पे बार बार हम बीएमसी वालों को फ़ोन करते हैं कि आप लोग आओ और आकर देखो यहाँ पर, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। आते हैं थोड़ा सा ऐसा ऊपर ऊपर से कचरा निकालते हैं और चले जाते हैं। हम लोग ने खुद यहाँ पर मेहनत करके पूरा मट्टी वगैरह डलवाया तो भी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। पानी वैसे ही गटरों का पूरा पानी बाहर आ रहा है और उसकी ना गटर साफ होती है ना रोड के ऊपर कोई एक्शन लेता है। इतने नेता लोग के पास जाकर आए, असलम शेख के पास देख कर आए, सलमान मेटकर के पास जाकर आए, सब जगह जाने के बाद में भी हम लोग का रिजल्ट एकदम जीरो है। इसी पानी में रहने का है, यही पानी में। वो लोग बोलते हैं कि अभी ऐसे ही रहने दो, चार महीने के बाद में जो जब रोड बनेगा जब उसका काम होएगा, मगर जब तक हम लोग क्या गटर के पानी में रहने का। पूरा गटर का पानी, हम लोग पानी पीने वाला पानी भी हमारा गटर का आ रहा है और दूसरा घर के अंदर भी हमारे गटर का पानी आ रहा है। जब भी गाड़ी यहाँ से पास होती है गटर के अंदर, गटर का पानी पूरा हमारे घर के अंदर जाता है। नमाज रोजे के लिए दिक्कत हो जाती है, नमाज के लिए भी इंसान निकलता है ना तो वो साफ सफाई नहीं मिल पाती है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हमारे बाहर नहीं निकल सकते, पूरे पैर हमारे सड़ गए हैं और ऐसे भी इतनी तकलीफ है ना कि उसकी वजह से हमारे को पूरा ना इसकी स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, पूरी बीमारियों के पैरों से चला नहीं जा रहा, इतनी तकलीफ है ये गंदे पानी की वजह से। दोस्तों आप देख रहे थे कि जो महिला होती हैं वो घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालते हैं और खुद निकल करके आज वो अपनी घरों से, अपने घरों में से जो पर्दे के अंदर रहते हैं, जो घर में रहते हैं, वो आज निकल करके लोगों से क्या अपील क्या चाहते हैं और उन्हें कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है हम आपको दिखा रहे थे। दोस्तों आप देख रहे थे यहाँ के जो लोग हैं कितने तकलीफ में। फिर से मैं इसी चीज बात को कहूँगा कि यही महाराष्ट्र मुंबई है, यही महाराष्ट्र मुंबई है। यहाँ के लोग 30 दिन या 50 दिन पकड़ लो पैर सड़ जा रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही, हॉस्पिटल में एडमिट हो जा रहे हैं, लेकिन मलाड बीएमसी, मैं नाम ले रहा हूँ चैनल पे, मलाड बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मलाड बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ टू सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके लोगों को बीमार होने के लिए छोड़ रहे हैं। ये जो है कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं प्लॉट नंबर 42 का एरिया, 48 है, 42 है, 39 है, ऐसे बहुत सारे प्लॉट हैं। यहाँ के लोगों को बीमार होने के लिए छोड़ दिया गया है जो मलाड बीएमसी के अधिकारी हैं। अभी घर तोड़ने को हो तो उनके पास तमाम अधिकारी आ जाएंगे, झोपड़ा तोड़ने का है तो उनके पास तमाम मशीनें आ जाएंगी, बुलडोजर आ जाएंगे, गाड़ी आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों की मुसीबत को सुनने के लिए जो ट्वीट कर रहे हैं, जो बाकायदा गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके लिए जो है कि प्रशासन मलाड की बीएमसी कान में कापूस डाल करके बैठी हुई है कि आप कितना भी मेरे पास शिकायत दो लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं अगर यहां के लोगों को न्याय नहीं दिया जाएगा तो मैं मलाड बीएमसी के अधिकारियों को जरूर जो है कि यहां पर काम करने के लिए मजबूर करूंगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।